YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। जिस तरह आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इससे बढ़कर खुशी उस वक्त होती है जब हमें हज़ारों की तादाद में लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि भाई हम तो काफ़ी हद तक पामिस्ट हो गए। तो यकीन करें, बहुत खुशी होती है। और ये नहीं कि खाली वो कह देते हैं कि हम पामिस्ट हो गए, वो लकीरों के नाम, जज़ीरे, नुक्ते, क्रास वगैरह के नाम बता के कहते हैं कि फ़लाना लकीर पे क्रास है, इसका क्या मतलब है। ठीक है ना? तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है, दिल और दिमाग की लकीर का एक मुकाम से शुरू होना। दिल और दिमाग की लकीर का एक मुकाम से शुरू होना। तो वो लकीरें कैसी होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। और दिल और दिमाग की लकीर एक मुकाम से शुरू हो और उनके आगाज़ में या एंड में किसी जगह क्रास का निशान आए, तो ये क्रास का निशान कोई अच्छी अलामत नहीं होता। किसी जगह पे तो क्रास बहुत अच्छी अलामत है और किसी जगह पे क्रास बिल्कुल बुरी अलामत है। बुरी अलामत ये कि हादसात को दावत देने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, दिल और दिमाग की लकीरें अगर एक मुकाम से शुरू हों, ये सबसे पहले मैं आपको बना के बता रहा हूँ ज़िंदगी की लकीर। ठीक है? इसके साथ दिल और दिमाग की लकीरें जनी मिली हुई, ये जा रही है दिमाग की लकीर और इसके साथ ये जा रही है दिल की लकीर। ठीक है? अब दिल की लकीर का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। ठीक है? यहाँ से हो रहा है और दिमाग की लकीर का आगाज़ यहाँ से हो रहा है और ये दोनों आपस में मिल गई हैं। ये दोनों आपस में मिल गए, जनी एक ही मुकाम से आगाज़ किया यहाँ से या यहाँ से आगाज़ किया। और इसमें खुदा न खास्ता इसमें ऐसा क्रास का निशान आता है। अगर क्रास का निशान यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, दोनों में से किसी एक पर भी जनी आ जाता है तो दोनों लकीरें एक हैं। ये मैंने आपको बना के बताई, जैसे कि देखें, आपको मैं इधर एक छोटी सी लकीर बना के बताता हूँ, ये लकीर। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा हाथों में कि ये यहाँ से ये लकीर, दिल की लकीर मिल जाती है और फिर दोनों जाके एक हो जाती हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता, पता नहीं चलता कि दिमाग की कौन सी और दिल की कौन सी। इसमें अगर क्रास का निशान इस तरह का आ जाता है तो ये हादसात को दावत देना, यानी ऐसे लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके हाथ में या आपके किसी अजीज़ के हाथ में, खुदा ना करे कि ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो कोशिश करें कि कसरियत से सदका दिया करें। सदके के लिए ये भी नहीं है कि आप जो ना जाके 50 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का एक बड़ा सा बकरा ख़रीद के लाएं और काला रंग ढूंढें कि भाई काले रंग का बकरा मिलेगा तो हम उसको काटेंगे, ऐसा नहीं। सदका किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, भूखे को खाना खिलाना भी सदका है, अपने इस्तेमाल नहीं होने वाले कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते, जो आपके किसी काम के नहीं हैं या आपसे छोटे हो गए हैं या आप इस्तेमाल ही नहीं करते, वो किसी गरीब और मुस्तहक को दे देना भी सदका है। और आजकल तो वो एक टीवी पे ड्रामा चल रहा है तो उसके हवाले से लोगों ने जनी ये भी कर रखा है कि नेकी की टोकरी, यानी आप 10 रोटियां ले रहे हैं तो आप 12 ले लें या 11 ले लें और उस टोकरी में एक डाल दें, जो गरीब मुस्तहक हैं, जो रोटी नहीं खरीद सकता, उस टोकरी से निकाल लें। आजकल तो हमारे यहाँ ये भी चल पड़ा है। तो ये हादसात से बचने का बेहतरीन तरीका है, इससे बढ़कर कोई तरीका नहीं। और इसको ये सूरत भी हो सकती है, ये जो मैंने बनाई है ये सूरत भी हो सकती है, और इसकी अगली सूरत भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अब एक ही जगह से शुरू हुई है यहाँ से, ठीक है? अब इसमें दो नहीं है, एक ही जगह से शुरू हुई है। इसमें क्रास का निशान जहाँ पर आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो ये समझें ख़तरनाक अलामत है। क्रास देखें, क्रास के बड़े फ़ायदे भी हैं। कौन कौन सी जगह पे क्रास बड़ा फ़ायदा देता है ये भी हमारे अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे कि ये क्रास जो है कौन सी जगह फ़ायदा देता है, कौन सी जगह शोहरत की बुलंदियों पे ले जाता है, कौन सी जगह अचानक माल दौलत दे देता है, ये भी है। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो यही है, दिल और दिमाग की लकीर का एक साथ शुरू होना। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि ये दिमाग की लकीर है, इसके साथ यानी यहाँ तक लंबी आ जाए और एक उसकी दिल की हो जाए और ये दोनों लकीरें एक ही लकीर हो, जैसे कि मैंने बनाई ये एक, ये दो शाखा बनाई, दो शाखा को हटा दें, सिर्फ ये एक लकीर है। तो ये लकीर पर क्रास का निशान अच्छी अलामत नहीं है।
तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का प्रोग्राम, और अभी शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ। वो वाक्य यूँ है कि मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो इस बात पे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि यार, अगर खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है तो आप जो ना जब पहुँचते हो, जब उसका स्वयं हो चुका होता है या स्वयं हो रहा होता है, ये मेरे साथ वो कॉमेडी भी करते हैं। तो उसकी वजह पता क्या कि मैं इस रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान ना हो जाए, ठीक है, किसी की जान ना चली जाए, किसी को कोई और परेशानी लायक ना हो जाए, कोई माजूर ना हो जाए, यानी इस तरह से। एक बार क्या हुआ कि मैं सैड एरिया से आ रहा था और बड़ा जनी हशाश बशाश चारों तरफ देखता हुआ आ रहा था, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सवाए गाड़ियां खड़ी होने के, यानी कुछ ट्रक खड़े थे, कुछ और गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी रोड पे नहीं थी, ना मेरी बैग पे कोई गाड़ी थी, ना ही सामने कोई गाड़ी थी। चलते 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 अचानक ऐसे ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। धमाके की आवाज़ के साथ ही मैंने देखा कि होटल का जो बार वाला होता है, वो 6-7 किस्म के जो सालन और रोटियां वगैरह ये लेकर, वो जो ना अपने यूँ हाथ पे रख के अचानक कहाँ से पता नहीं नमूदार हुआ और आके सीधा मेरी गाड़ी से टकरा गया। अब गाड़ी से टकराया, उसका सालन वालन वो भी हवा में गया और वो खुद भी गिर गया, और यहाँ तक कि उसका जो पिछला पैर जो था उसके ऊपर, ये समझो कि गाड़ी जो ना पिछला पैर जो है उसका, वो उसके पाँव पे चढ़ गया, क्योंकि वो जो यूँ गिरा ना, यूँ गिरा तो वो उसका पाँव पीछे बैग पे आ गया। पाँव बैग पे आने से क्या हुआ कि उसके पाँव पे चोट लगी, और मैं खड़ा होकर मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई आप कहाँ से निकले हो, कहाँ से आए हो? तो वो खुद हैरान हो गया कि मैं गाड़ी से टकराया क्यों, मुझे दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, मैं कैसे टकरा गया और ये गाड़ी आई कहाँ से? वो कह रहा है भाई मैं तो बिल्कुल सही जा रहा था, रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी, अचानक आप कहाँ से निकले? अब मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ से आया, वो हैरान है कि मैं कहाँ से आया। ये सारे वाकयात और सारी चीज़ें जो होती हैं, कुदरत को जो मंजूर होता है वो होना है, वो होते हैं। और उसके बाद मैंने कहा यार तुम्हारा जो नुकसान हुआ, जो कुछ हुआ, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा भाई ये नहीं, मैं तो इस परेशानी में हूँ कि आप कहाँ से आ गए बीच में। तो ये क्या था? देखें बाज़ अवक़ात ऐसा होता है हम खुली आँखों से भी अंधे हो जाते हैं। अल्लाह ना करे जो वाकया हो जाता है, हादसा हो जाता है, हम जाके ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, ये गालियां देने लगते हैं, कहते हैं हमारा नुकसान पूरा करो, या उसको मार पीट शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं, या वो बंदा जानबूझ के आपकी गाड़ी से टकरा गया, या दूसरी गाड़ी वाला। हर बंदा इस चीज़ से कोशिश करता है कि वो हादसे या वाकया से बचे। तो उसको क्या ज़रूरत है आपकी गाड़ी से आकर टकराए या आप उसकी गाड़ी से जाकर टकराएं? तो ये दमाकी लकीर इस तरह के हादसात जन्म देती है, इस तरह के हादसात यूं कर दें कि कोई भी वाकया हुआ, कोई भी हादसा हुआ, इसको ज़रूर होगा। तो इसलिए ऐसे लोग पता क्या करते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो गाड़ी चला रहे हैं, स्लो स्लो गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक वो गाड़ी के स्पीड उठाएंगे और सामने जाके किसी को दे मारेंगे। तो ऐसी लकीर वाले लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ में ऐसी लकीर नहीं है। तो मैंने आपको जो वाकया सुनाया, सिर्फ इस वजह से सुनाया कि कुदरत को जो मंजूर होता है उस हिसाब से लोग चलते हैं, और उस हिसाब से वाकयात और हादसात भी होते हैं। हो सकते हैं हमारी कोई गलती, हमारी कोई कोताही, या हमारा कोई गुनाह, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सज़ा हो, लेकिन ये होती है। तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो हमें सवाल किया है, हमज़ा ने किया है गुजरात से, आने वाली ज़िंदगी में दौलत शोहरत मिलेगी या नहीं? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर है, लेकिन अपने टाइम पीरियड से लेट शुरू हो रही है। उसके हिसाब से कम ये समझें कि 2022 और 23 में कामयाबी मिलने का इम्कान है, जिसमें दौलत भी होगी और शोहरत भी होगी। उसके बाद सवाल किया है ईमान ने भावलपुर से, ये आगे क्या है? ईमान खिजर साहब ने सवाल किया है भावलपुर से, नौकरी कब मिलेगी? प्यारे दोस्त, आप छोड़ें नौकरी वोकरी के चक्कर, आपको कारोबार करें, आपका जो हाथ है वो कारोबारी हाथ है, और अगर कारोबार करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो करें, बहरहाल वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कारोबार करें तो फ़ायदा होगा।
उसके बाद सवाल किया है गौसिया ने सवाल किया है, गौसिया ने सवाल किया हमाम से, परेशानी कब ख़त्म होगी? आपकी परेशानी इंशाअल्लाह ये समझें कि 2021 के चौथे और पाँचवें महीने में ख़त्म होती नज़र आती है। इसके बाद सवाल किया है कंवल ने सवाल किया सरगोदा से, शादी कब होगी? आपकी शादी 2023 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया अफसाना नाज ने रावलपिंडी से, एक शादी ख़त्म हो गई है, बहुत परेशान हूँ, सुकून कब मिलेगा? दूसरी शादी है नसीब में? जी बिल्कुल, आपके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं और आपकी शादी इंशाल्लाह 2021 के लास्ट में होने के चांस हैं और ये शादी इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया है एबी ने, इस दौलत कब आएगी? देखें, आपके हाथ में दौलत की लकीर तो मुझे नज़र नहीं आती, बहरहाल आपके हाथ में किस्मत की जो लकीर है वो अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द ही माली पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ये हादसात और वाकयात हैं, इससे बचाव के लिए आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जो है इसको आप पढ़ा करें तो आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन भी अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हादसात और इन परेशानियों और मुश्किलों से आपको अल्लाह महफूज रखेगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह का नाम है या हफीज़ो, वो भी आप पाबंदी से पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला मुश्किलों से, हादसों से, परेशानियों से आपको बचाएगा। और इसके अलावा सदका रदुल बला है, सदका जिस भी चीज़ का देना चाहें दें, और नहीं तो किसी को मुस्कुरा कर देख लें, ये भी सदका है, ये तो हम दे सकते हैं लोगों को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।